अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी पानी पी लीजिए। गजर के बहकावे में आकर आपने दूरी इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि मैं चाहकर भी आपके आंसू पोंछ नहीं सकती। मैं आपके साथ हमदर्दी करना चाहती हूँ अम्मी, मगर क्या फायदा, आप तो हमदर्दी का मतलब ही भूल चुकी हैं। राहत ने बहुत बड़ी गलती की जो इतनी देर से थप्पड़ मारा। अरे पहले ही दो चार हाथ लगा दिए होते ना तो बहू बेगम का दिमाग ठिकाने आ जाता, सही हो जाती बिल्कुल। तेरे आंसू बहाने से किसी को भी तुझ पर रहम नहीं आने वाला, समझी? मगर हाँ, इस घर को उसका सुकून जरूर मिल जाएगा अगर तू दुआ का साथ दे, क्योंकि वो सही है। उस गजल को है ना तूने दिल दिमाग से उसे निकाल के बाहर फेंक दे। अब रोना बंद कर और सही का साथ दे। वाह अम्मी वाह, अब मेरे रोने पर भी पाबंदी लगने वाली है। आप ही बता दीजिए मुझे कब हंसना है कब रोना है। कोप तो होने लगी है मुझे आप लोगों से। आपकी चहेती पोत बहु दुआ की वजह से मैंने अपना शोहर खो दिया, बेटे को खो दिया, सब मेरे खिलाफ हो गए। राहत साहब ने सबके सामने मेरी कम बेइज्जती की थी, जो अब आप करना चाहती है, मुझे नसीहतें दे रही है। अपनी चहेती दुआ को दीजिए ना, समझाइए उसे, चली जाए अपनी अम्मी के साथ इस घर से। तेरे सुधरने का है ना हिना कोई रास्ता नहीं, तू तो पूरी तरह से अंधी हो गई है। माशाल्लाह, मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखकर खुश होने वाली आज खुद रो रही। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जब से यहां आई हूं ना, तमाशा देख देख के जी उकता गया है। अब लगता है आराम करने की थोड़ी जरूरत है, इसीलिए इस रोज के हंगामे से दूर जा रहे हूं। बहुत अच्छा कर रही हो, चली जाओ। इतना खुश मत हो हिना बेगम, सिर्फ मैं जा रही हूं, मेरा बेटा और दुआ यही है। आज तुमने भी शौहर का दुख देख ही लिया, इसमें इतनी हैरत कैसी है? पड़ोस में आग लगाने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं हिना कि उसकी आंच उन तक आ जाएगी। जाने से पहले तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूं, दोबारा मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। हैदर,
फजल। गजा, आंखें खोलो। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? हाँ, आंखें खोलो। ये खाओ, ये तुम्हारी हालत कैसी हुई? तुम्हें ये चोट कैसे आई गजा? तुम ठीक तो हो ना? गजा, बताओ कैसे हुआ ये सर? तुम्हारी वजह से। दुनिया आपको शेरनी बुलाती और आप इस तरह रो रही हैं? रोइए मत ना, वरना दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। अल्लाह कसम, तुझे दुल्हन बनाकर रुखसत करने में भी इतनी फिक्र नहीं हुई थी मुझे जितना खौफ आज हो रहा है। अम्मी, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और हौसला रखिए। हौसला तो मेरा चट्टानों जैसा है, लेकिन तेरी तकलीफ से मुझे तोड़ दिया है। अम्मी, आप ही कहती हैं ना कि बाजी कमजोर नहीं, तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप ज्यादा मत सोचिए, मैं हूं बाजी के साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखना बेटा, और किसी से डरना मत। एक गजल क्या दस गजल भी आ जाए ना, तू हिम्मत मत हारना। खुदा हमेशा सच्चे बंदों का साथ देते हैं, उनके साथ होते हैं। तेरी जीत होगी हमेशा, बस अपना ख्याल रखना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।